Now we will come to talk on the electric dipole due to an electric field. मतलब अगर एक डायपोल जो है हमारा वो अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हो तो उन केसेस के अंदर टॉर्क कितना होता है. सबसे पहले तो अगर हम देखें कि अगर हमारा एक डायपोल पड़ा है एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो उसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा इस चार्ज के ऊपर इधर की डायरेक्शन के अंदर एफ इज इक्वल्स टू क्यू इन टू ई और इस चार्ज अगर यहां पर जहां पर भी पड़ा है और यहां पर लगेगा F इज इक्वल्स टू इस डायरेक्शन में लगेगा क्योंकि Q इंटू E होता है तो नेगेटिव चार्ज है तो उल्टी डायरेक्शन हो गई विच इज Q इंटू E. तो एक तरह से अगर हम देखें तो F नेट कितना है F नेट इज इक्वल्स टू जीरो. ठीक है मतलब नेट जो फोर्स है इस पूरे डायपोल पे जीरो लग रही है. बट क्या हो रहा है जब हमारा ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर नेट फोर्स जीरो होती है लेकिन अलग अलग पार्टिकल्स पे यानी दोनों एंड्स पे फोर्स लग रही होती है. ठीक है तो ये हमारा मतलब दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस होता है बट इस सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स जीरो लग रही होती है तो ये हमारा एक कपल बन जाता है. ओके ये हमारा एक कपल बन जाता है और कपल की जो वैल्यू होती है कपल की वैल्यू होती है दिस फोर्स एफ इंटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू यानी ये वाला डिस्टेंस इंटू द फोर्स एफ. एफ क्या सिंगल ये वाली क्यू ई. तो नेट ये जो कपल होता है तो इससे हमारा सीधा सीधा टॉर्क की वैल्यू आ जाती है. ये इसकी वैल्यू कितनी आई एफ इंटू ये डिस्टेंस. ठीक है अगर हमारा इनिशियली जो डायपोल था उनका वो थीटा एंगल बना रहा है फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ ई तो फिर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हुई ये डिस्टेंस कितनी हुई डी साइन थीटा तो ये आया डी साइन थीटा. ये डी है तो ये आएगा डी साइन थीटा. तो दिस इज एक्चुअली टॉर्क विच इज इक्वल टू क्यू इंटू ई दिस इज फोर्स इंटू डी साइन थीटा. तो इसकी वैल्यू आई क्यू इंटू डी क्या होता है पी यानी डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल तो पी ई साइन थीटा. दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये टॉर्क टाओ वाला जो फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये चीज आप याद रखेंगे. अब इसी से हम एक और चीज इन्फर कर सकते हैं विच इज पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है अब पोटेंशियल एनर्जी एक इलेक्ट्रिक डायपोल की क्या होती है लेट अस सपोज कि जो हमारा डायपोल था वो इन्फिनिटी पे पड़ा था यानी अभी उसका जो हमारा डायपोल है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई भी बिल्कुल भी इंट्रैक्शन नहीं है और हम इसको बिल्कुल इस तरीके से यानी थीटा जो है हमारा पाई बाय टू है और उसको हम इन्फिनिटी से इस तरफ लाते हैं. तो अब क्या हो रहा है क्योंकि नेट फोर्स तो जब भी हम इसको इन्फिनिटी से इस डायरेक्शन में ला रहे हैं तो नेट फोर्स तो जीरो लग रही है. ठीक है तो हमको इधर लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ रहा इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी जीरो है. ठीक है पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया क्योंकि हमने कोई भी वर्क नहीं करा. ठीक है तो जब थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय टू होता है और हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं तो यू क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी जीरो होगी. ठीक है दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ये चीज आप याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि एक तो पहली बात जो भी डायपोल होता है उसको हमेशा थीटा इज इक्वल टू पाई बाय टू पे लाया जाता है. ठीक है और जब इसको यहां पर लाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता बिकॉज वी आर नॉट डूइंग एनी वर्क. वर्क जो है हमारा नेटवर्क वर्क डन एक्सटर्नली दिस इज इक्वल टू जीरो क्योंकि कोई भी फोर्स नहीं लग रही. बट अब क्या होता है हमने इसको थीटा पे लाए और इसको क्या करते हैं इसको हम रोटेट करते हैं हम कुछ रोटेट करते हैं. अब ये जो टॉर्क आया था एक्चुअली में पहले जो हमने टॉर्क कैलकुलेट करा था ये टॉर्क इस डायपोल पे लग रहा था और वो किस तरीके से लगता है क्लॉकवाइज. ठीक है टॉर्क जो है हमारा ये क्लॉकवाइज लग रहा था बट पोटेंशियल एनर्जी अब क्या है अब हम इसको हमने पाई बाय टू से लाए थे अब हम इसको घुमाते हैं. ठीक है इसको हम रोटेट करते हैं जो कि फाइनली इसका एंगल फाइनली पाई बाय टू से कुछ थीटा हो जाता है तो हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा. ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्यों होगा क्योंकि अब हमको वर्क करना पड़ रहा है अगेंस्ट द टॉर्क हमको घुमाने के लिए टॉर्क के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा. ठीक है तो ये जो वर्क होगा ये पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है तो अब हम पोटेंशियल एनर्जी की अगर वैल्यू निकालें तो वो कितना होगा माइनस ऑफ टॉर्क इंटू मॉड ऑफ डी थीटा. ठीक है माइनस टाओ क्यों हो रहा है यहां पर क्योंकि जो टाओ है ये हमको एक्सटर्नली लगाना पड़ रहा है यहां पर तो पीई साइन थीटा था
अब हम एक्सटर्नली लगा रहे हैं इसलिए हमने यहां पे माइनस टाउ लिया, तो इसकी वैल्यू है पीई इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा, और डेल यू की वैल्यू फिर हमने इसको इंटीग्रेट करा डी थीटा को फ्रॉम पाई बाय टू से थीटा, इनिशियली पाई बाय टू था और फाइनली फिर थीटा हो गया, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारी वैल्यू आई माइनस पीई कॉस थीटा, और यहां पर आया u थीटा माइनस यू पाई बाय टू। ना यू पाई बाय टू मैंने आपको पहले बताया था दिस इज इक्वल्स टू जीरो, इसका मतलब u थीटा दिस इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा या फिर माइनस पी डॉट ई। अब ये जो इक्वेशन आई u थीटा इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई, इससे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आई कि जो मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पहले बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है अगर वो उसके पैरेलल आती है तो उन केसेस के अंदर हमारा यू थीटा होगा, यानी पैरेलल कब आती थी जब डायपोल हमारा डायपोल हमको जब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल देखनी होती थी ये जब इसके परपेंडिकुलर बायसेक्टर पे होती थी तो उन केसेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी पैरेलल आती थी। तो यानी अगर आप यहां पर देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अगर उसका एंगल या फिर जो हमारा डायपोल है उसका एंगल यहां पर थीटा इज इक्वल्स टू जीरो हो या फिर पाए हो तो उन केसेस के अंदर यू थीटा की कुछ वैल्यू होगी, यानी ये रोटेट कर चुका होगा, ठीक है। बट इन केसेस इन केस इफ थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय टू, ठीक है, तो उन केसेस के अंदर प्लस माइनस पाई बाय टू हो तो इसका मतलब ये यहीं पर था, तो उन केसेस के अंदर यू पाई बाय टू कितना होगा दैट विल बी इक्वल टू जीरो। अब हम एक काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखते हैं ऑन द डायपोल मोमेंट जो मैंने आपको बताया था। इस एग्जांपल में क्या है कि एक डायपोल है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी वैल्यू ई नॉट है, ठीक है, इसके अलोंग पड़ा हुआ है, इसकी एक्सिस के इसकी जो एक्सिस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है। अब क्या है कि हमारा एक जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है इस इन दोनों इंट्रैक्शन की वजह से इन दोनों के इंट्रैक्शन की वजह से एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बन रहा है जो कि स्फेरिकल इन शेप है, और इस इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो सेंटर है यानी स्फीयर का जो सेंटर है वो डायपोल के सेंटर से कोइंसाइड कर रहा है। यू गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल की कुछ फील्ड होती है उनकी वजह से इनके कुछ इंट्रैक्शन किस कुछ इस तरीके का इंट्रैक्शन हो रहा है कि उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन रहा है, पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस बन रहा है, और इस इक्विपोटेंशियल सरफेस का हमको रेडियस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए दो तरीके हैं। फर्स्ट मेथड जो मैं आपको बताता हूं इसके अंदर क्या है, लेट अस सपोज कि कोई एक पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है, और रेडियस आर मान लेते हैं इस स्फीयर का। अब इस पॉइंट पर अगर हम देखें यानी थीटा एंगल बना रहा है फ्रॉम दिस हॉरिजॉन्टल पोजीशन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फिर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या क्या वैल्यू होगी ड्यू टू दिस डायपोल, वो होगी ई आर एंड ई थीटा, ये आपको पता है, और एक होगी ई नॉट जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सर्फेस जो होता है उसका क्या होता है कि जो नॉर्मल सर्फेस जो कि इस डायरेक्शन के अंदर जो सरफेस होते हैं यानी इसकी टेंजेंट के अलोंग इस सरफेस के जो टेंजेंट के अलोंग जो होती है इस टेंजेंट के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है, दैट इज व्हाट इज इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल। ये तो मैंने आपको बताया था कि इसके अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी दैट विल बी इक्वल टू जीरो। तो यहां पर तो हो गई ई थीटा, ये वाली वैल्यू कितनी हुई ई नॉट साइन थीटा, ठीक है। तो क्या है नेट कि अगर हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माने तो फिर ई नॉट साइन थीटा माइनस ई थीटा दिस शुड बी इक्वल टू जीरो, ठीक है, बेस सिंपल सा रीजन है, सिंपल सा लॉजिक है। तो अब यहां पे क्या करेंगे ई थीटा की वैल्यू डालेंगे, ई थीटा की वैल्यू हमने पहले कैलकुलेट करी थी वो कितनी आई थी केपी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, ओके, तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया और आर की वैल्यू आपकी आ गई के इंटू पी अपॉन ई नॉट होल रेज टू पावर ऑफ 1/3। सो एक तरह से देखिए कि ये कितना सिंपल है, यू जस्ट मतलब अगर मेरे को क्वेश्चन आता ही है तो कोई भी बंदा देखकर डर जाएगा, बट यू हैव टू लेकिन कि अगर आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें और उसकी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करें क्योंकि आपको दिया हुआ है इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो आपका मेन फोकस किस पर होगा इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे होना चाहिए। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है और उसी वक्त इस इक्विपोटेंशियल सरफेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है ये दिमाग में क्लिक कर जाए तो आपका क्वेश्चन आप 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं एक और मेथड बताऊं पोटेंशियल सरफेस से इक्विपोटेंशियल सरफेस से रिलेटेड ही, तो फिर क्या है कि पोटेंशियल एट ओ दैट इज यानी कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं इस पे
पोटेंशियल क्या होगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी होगी ड्यू टू दिस एक्सटर्नल फील्ड. अब एक्सटर्नल फील्ड जो होती है उसकी वजह से क्या होगी, डीवीज इक्वल टू ई नॉट कॉस थीटा. अब ई नॉट कॉस थीटा क्या करा मैंने, पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करा, इस डायरेक्शन में मैंने पोटेंशियल वो इलेक्ट्रिक फील्ड देखी. अब इस डायरेक्शन के अंदर जब इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और आपको यहां पर पोटेंशियल निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, डीवी बाय डी आर इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल या जो भी है ई नॉट, ठीक है, ये सिर्फ एक्सटर्नल फील्ड की वजह से है. अब एक्सटर्नल फील्ड की वजह से इस डायरेक्शन में क्या वैल्यू आएगी, ई नॉट कॉस थीटा. ऑलराइट, दैट इज वेरी सिंपल. तो इसलिए इस चीज को आपने यहां पे लिखा और आपने इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है, ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है तो यहां पर एक प्लस कॉन्स्टेंट सी आएगा, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करा तो आया माइनस ई नॉट कॉस थीटा इंटू आर प्लस सी. ओके, ये होता है डीवी बाई माइनस डीवी बाई डी आर होता है, इसलिए यहां पर नेगेटिव आया. ऑलराइट, नाउ ड्यू टू द डायपोल इस पॉइंट पर कितनी पोटेंशियल होगी, होगी केपी इंटू कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये तो हमने कैलकुलेट करा था. नाउ वी नेट एट ओ, अब नेट पोटेंशियल एनर्जी कितनी, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी होगी, केपी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ई नॉट कॉस थीटा इंटू आर प्लस सी. नाउ अब क्योंकि इक्विपोटेंशियल सर्फेस है तो यानी इस पूरे सर्फेस पे पोटेंशियल की वैल्यू लेट अस सपोज कॉन्स्टेंट होगी, जिसकी वैल्यू हम मान लेते हैं विच इज वी. तो ये जो पूरी वैल्यू है दिस शुड बी इक्वल टू वी. ओके, नाउ अब ये जो वी है ये थीटा से इंडिपेंडेंट है, यानी अगर हम थीटा को यहां पर कर दें ऐसे मेजर करें तब भी यहां पर भी वी आएगा, ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पे स्फीयर पे वी आएगा, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, ठीक है. अगर एक कॉन्स्टेंट रेडियस आर है, रेडियस आर पर, रेडियस आर का स्फीयर है, उसके पूरे उस पर वी आएगा. तो अब हम यहां पर देखें तो क्या है कि सी और वी ये जो दोनों टर्म्स हैं ये इनके साथ कोई भी थीटा का इंट्रैक्शन नहीं है, यानी दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा. बट दीज टू टर्म्स दे आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, ये दोनों थीटा के साथ वेरी कर रही हैं. तो एक तरह से क्या हुआ कि जब ये थीटा के साथ वेरी कर रही हैं तो इसका मतलब ये दोनों टर्म्स जीरो होनी चाहिए, ये वाली जो टर्म्स है ये नेट जीरो होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये वेरी करती रहेगी तो अगर हम वेरी करेंगे तो वी जो है वी भी थीटा के साथ वेरी करेगा. अगर हम इस इक्वेशन को देखें और ये वाली टर्म्स जो है ये जीरो नहीं हो रही, नेट ये जीरो नहीं हो रही, तो फिर अगर हम थीटा को वेरी करेंगे तो वी की वैल्यू भी वेरी करेगी, बट वी थीटा के साथ वेरी नहीं कर रहा, इसलिए ये वाली जो टर्म्स है ये जीरो होनी चाहिए. तो इसलिए केपी इंटू अपॉन, अब यहां पे क्या करा, कॉस थीटा हमने कॉमन ले लिया और इन दोनों को जीरो पुट कर दिया तो क्या वैल्यू आई, केपी अपॉन आर स्क्वायर माइनस ई नॉट आर इज इक्वल टू जीरो. तो इससे हमारी वैल्यू आ गई आर इज इक्वल टू केपी अपॉन ई नॉट होल रेस्ट टू पावर ऑफ 1/3. तो ये भी आपने देखा कि फर्स्ट मेथड और सेकेंड मेथड में क्या चीज काम आई, ओनली इक्विपोटेंशियल सर्फेस की जो प्रॉपर्टीज होती है वो काम आई, कि इक्विपोटेंशियल सर्फेस पर पूरी पोटेंशियल रहती है और ये थीटा से इंडिपेंडेंट होती है. और ये तो सेकेंड मेथड में हमने काम आई, और फर्स्ट मेथड में क्या काम आई कि इक्विपोटेंशियल सर्फेस के टेंजेंशियल डायरेक्शन के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी जीरो होती है. देखा आपने कि सिर्फ इनकी प्रॉपर्टीज याद होने से आप कोई भी सोल्यूशन निकाल सकते हैं. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले देखें कि हमको क्या फाइंड आउट करना है और कौन सी ऐसी टर्म है जिसको यूज करके आप पूरे सोल्यूशन तक एंड में पहुंच सकते हैं.